गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस पार्ट में हम हॉर्नबिल बुक का सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफर्ड टू डाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस की ओर। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन, कप्तान के द्वारा उठाए गए कदमों की सूची बनाना है। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगेन, जब खराब मौसम की शुरुआत हुई तो जहाज की सुरक्षा के लिए कप्तान के द्वारा कौन से कदम उठाए गए थे? आंसर टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम रफ वेदर, द कैप्टन डिसाइडेड टू स्लो डाउन द स्पीड। जहाज को खराब मौसम से बचाने के लिए कप्तान ने उसकी गति को धीमा करने का फैसला किया। ही ड्रॉप्ड द स्ट्रॉन्ग जिब एंड लेस्ड ए हैवी मूरिंग रूप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न। उसने तिकोना पाल को गिरा दिया था और नाव के पिछले वाले हिस्से से एक नाव को बांधने वाली मोटी रस्सी से फंदा बनाकर उसे बांध दिया था। देन दे डबल लैस्ड एवरीथिंग, फिर उसने प्रत्येक चीज को दोबारा से बांध दिया था। एंड वेंट देयर थ्रू देयर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन, डोंड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। और वह अपने जीवन रक्षक बेड़े में गया, या कह सकते हैं कि उसने जीवन रक्षक बेड़े में जाकर अटैच्ड लाइफ लाइन रक्षा तारें बांध दी थीं और जल रोधक कपड़े एवं लाइफ जैकेट पहन ली थी और इंतजार करने लगा था। नेक्स्ट, टू चेक द फ्लोडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप, जहाज में पानी भरने से रोकने के लिए कैप्टन के द्वारा कौन से कदम उठाए गए थे? आंसर लेरी एंड हार्ब वी आर पंपिंग लाइक मैड मैन। लेरी और हार्ब पागलों की तरह पंप से पानी बाहर निकाल रहे थे। समहाउ द कैप्टन मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स। किसी ना किसी तरह कप्तान ने खुले सुराखों पर कैनवास खींचकर जड़ दिया था और दरवाजे को सुरक्षित या जल रोधक कवर से सुरक्षित कर दिया था। मोर प्रॉब्लम्स एरोज भेन द हेड पंप्स ब्लॉक्ड अप ड्यू टू डेबरीज फ्लोटिंग अराउंड। मलबे के चारों ओर तैरने के कारण हेडपंप के अवरुद्ध होने पर अधिक समस्याएं
उत्पन्न हो चुकी थी, उत्पन्न हो गई थी। द टू स्पीयर हेड पंप्स हैड बीन ब्रेंच्ड ओवर बोर्ड। दो अतिरिक्त जो हेडपंप थे वह झटके से नाव पर टूटकर गिर गए थे। बट देयर वॉज वन मोर पंप, किंतु उनके पास एक और अधिक पंप था, एक और पंप था विच ही कनेक्टेड टू एन आउट पाइप, जिसे उन्होंने निकास या कह सकते हैं आउट पाइप से जोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द व्यूअर्स ऑन 4 और 5 जनवरी। नाविकों की 4 और 5 जनवरी की मानसिक स्थिति का वर्णन करना है। आंसर, ऑन जनवरी 4 द व्यूअर्स गॉट सम रेस्पाइट आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग। दे कुड पंप मच ऑफ द वाटर आउट। 4 जनवरी को यात्रियों को कुछ राहत मिली थी। 36 घंटे लगातार पंपों को चलाते हुए उन्होंने अधिकतर पानी बाहर निकाल दिया था। दे हैड देयर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड, और उनका जो आराम था, जो राहत थी, वह थोड़े ही समय के लिए थी। दे फेस्ड द डेंजर सिचुएशन ऑन जनवरी 5। उन्होंने 5 जनवरी को खतरनाक स्थिति से सामना किया था। फेयर ऑफ डाई लूम लार्ज एंड दे वेयर अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेस। जो मौत का डर था वह बहुत ही भयानक था, भयानक रूप ले चुका था, और वे इससे एक मानसिक तनाव में, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में पहुंच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट से, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ योर पार्टनर। अपने साथी के साथ निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द अडल्ट एंड द चिल्ड्रेन व्हेन फेस्ड विथ डेंजर। खतरे का सामना करने पर, खतरे का सामना करने पर वयस्कों और बच्चों के व्यवहार में क्या अंतर देखने को मिला था? आंसर, देयर वॉज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अडल्ट एंड चिल्ड्रेन रिएक्टेड व्हेन फेस्ड डेंजर। जब उन्होंने खतरे का सामना किया तब वयस्कों में और बच्चों के व्यवहार में बहुत ज़्यादा अंतर था। द अडल्ट्स लूज होप एंड वेटेड फॉर देयर एंड विथ ए हैवी हार्ट। जो वयस्क थे वह अपनी आशा छोड़ चुके थे और इंतजार कर रहे थे अपने अंत का विशाल हृदय के साथ। एंड द चिल्ड्रेन बिहेव्ड ब्रेवली, किंतु और जो बच्चे थे उनका जो व्यवहार था वह बहादुरीपूर्ण था। दे डिड नॉट पैनिक, वे बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे थे। बोथ द चिल्ड्रेन बिहेव्ड पेशेंसली एंड क्रोजियसली। दोनों बच्चों ने धैर्य और साहस से व्यवहार किया था।
इस प्रकार हमने कुल 4 क्वेश्चंस देखे और समझे। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के एक्स्ट्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और समझेंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।